करनाल जिले के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से सटे गांव मंगलोरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, गोविंद धाम मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने दो पंडितों पर हमला कर उनकी बहरहमी से हत्या कर दी। तीन पुजारी गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन सभी की जीप काट कर रस्सियों से बांधा गया है। घटना का पता चलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। बताते चले कि घटना का पता 7 बजे चला था, जिसके चलते गांव का एक परिवार सुबह मंदिर से सटे खेत में काम करने आया। परिवार की महिलाएं और बुजुर्ग मंदिर में माथा टेकने पहुंचे तो बाहर ताला लगा पड़ा था। अंदर झांकने पर लोगों की कराहने की आवाज आई। इन लोगों ने आसपास के ग्रामीणों को बताया और पुलिस को खबर मिली। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि जब मंदिर का निरीक्षण किया गया तो मंदिर में बिस्तर के ऊपर पुलिस को एक शराब की बोतल दिखाई दी और आपत्तिजनक सामान भी मिला है। फिलहाल पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीमों को मामले की जांच के लिए बुलाया है। वहीं एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने मौके का दौरा किया। एसपी का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है।